नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश खबर गोरखपुर से है, जहां प्रदेश के राशन के करीब 80,000 उचित दर विक्रेता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू का अनुदान प्रदान हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने कोटेदारों के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि भी घोषित की। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सरकार उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। आज का ये कार्यक्रम 80,000 कोटेदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है, इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों को प्राप्त होता है और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ सीएससी की सुविधा का लाभ प्रदेश के 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा। महाराज जी को देने के बाद महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि मैं जनता के लिए सोच रहा हूँ, अपने प्रदेश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने देवतुल जनता के लिए, किसान भाई के लिए। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में आज सीएम योगी ने कोटेदारों को बड़ा उपहार देने की कोशिश किया है। 20 रुपया इसमें जो है मूल्य वृद्धि किया जा रहा है, और ऐसे में आप देख बात कर सकते हैं, कोटेदार भी यहाँ मौजूद है, उनको सीएससी से जोड़ने की भी कार्य किया जा रहा है। तो क्या लगता है कितना आपको लाभ मिल सकता है? सीएससी से हमको जरूर लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएससी हमारे लिए इनकम बढ़ाने का स्रोत होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जो 20 रुपये हम लोगों का कमीशन बढ़ाया गया है पीडीएस का, वह नाकाफ़ी है, लेकिन तब भी फौरी तौर पे हमको लाभ मिला है, उसको फौरी तौर पे हमको उससे राहत मिलती नज़र आ रही है। लेकिन हमारा यह कमीशन अन्य प्रदेशों की भांति ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का यह नियम है फूड सिक्योरिटी एक्ट में कि हम 70 रुपये पहले देते थे, आज केंद्र सरकार 90 रुपये ने देने का कहा है, जो 90 रुपये आज हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का यह कहना है कि आप अपने पास से चाहें तो आप अपने विक्रेताओं को, फेयर प्राइस ऑफ डीलर यानी कोटेदारों को, आप कुछ भी दे सकते हैं, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, वो केंद्र सरकार की अस्तर से छूट है। उसी का फायदा उठाते हुए अन्य राज्य सरकारें 230 रुपया, 145 रुपये से लगाए 230 रुपये तक कमीशन दे रही हैं, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक 70 था, जो अब यही आज बढ़ करके 70 से 90 हो रहा है, यानी अभी राज्य सरकारों से हम काफ़ी पीछे हैं, जबकि वितरण के मामले में हम दूसरे नंबर पर आए हैं और 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमारे विभाग को मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों की भांति हमारे प्रदेश सरकार भी अन्य राज्यों की भांति हम लोगों को अतिरिक्त केंद्र के अतिरिक्त केंद्र चूंकि जो दे रही है उसमें 50% राज्य का ही योगदान है, यानी 90 रुपया केंद्र ने कह दिया देने के लिए, तो 45 राज्य सरकार ही दे रही है, 45 केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन हम यह सरकार से मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों की बात को सुनते हुए बहुत जल्दी हम लोगों का कमीशन बढ़ोतरी करते हुए 200 रुपये करने की कृपा करेंगे। ई गवर्नेंस के तहत जो बात करें तो इसे पूरी तरह से सीएससी से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी बन सकता है, ऐसे कई योजनाएं हैं कि क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है कि राज्य सरकार की ये और केंद्र सरकार की ये योजना है कितनी कारगर साबित होगी? नहीं देखिए, यह एक क्रांतिकारी योजना है और पहली बार कोई संवेदनशील सरकार आई है। हम लोग इतने वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोटेदारों के सुध किसी ने नहीं लिया। कोटेदार उसी गांव का है, उसी समाज के बीच का व्यक्ति है, लेकिन उसे हेय नज़र से देखा जाता था, जबकि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य करता आया। ये पहली सरकार है जिसने कोटेदारों के कष्ट को समझा है, उस पर मरहम लगाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से इंडिकेट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उसकी व्यवस्था सरकार कुछ करेगी, इससे हम सभी लोग, सभी कोटेदार बंधु पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे कष्ट को समझा, हमारी संवेदना को समझा, उसको मरहम लगाने का प्रयास किया। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि यह एक अच्छी पहल है और आगे भी जो हमारी समस्याएँ होंगी, इस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भावना को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। हम लोग निरंतर जिस तरह से सेवा करते चले आ रहे हैं, उससे बेहतर सेवा करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, इस योजना से जाहिर सी बात है कि
तमाम आम लोगों को भी लाभांश होंगे, सीधा लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि इधर उधर जो दौड़ना पड़ता था आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हर चीज़ के लिए, तो उनको किसी भी चीज़ के लिए जो है दौड़ना नहीं पड़ेगा। ई गवर्नेंस के जरिए इसको है CSC को जोड़ दिया जाएगा, तो उसका सीधा लाभ मिलने वाला है जनता को और कोटेदारों को भी। गोरखपुर से प्राइम टीवी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव। लुलू मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर उठे विवाद के बाद लुलू लखनऊ के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने घटना पर स्पष्टीकरण दिया है और कहा कि लुलू मॉल किसी को भी मॉल परिसर के अंदर धार्मिक कृत्य या संगठित प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। हम अपने सिक्योरिटी और फ्लोर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की गतिविधि पर नजर रखी जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि हम लुलू मॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉल बनाना चाहते हैं। लुलू मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण को लेकर दुकानों पर बुलडोजर से चलाए जा रहे हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जा रही है। वहीं व्यापारियों ने सावन मेले तक कार्रवाई को रोकने की अपील की है। बता दें कि अयोध्या के श्रृंगार हाट से लेकर राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिसके कारण लगभग 350 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इन दुकानों में लगभग 200 दुकानें ऐसी भी हैं जिनका पूरा दुकान समाप्त हो चुका है, तो वहीं 150 दुकानों के पीछे बचे जगह पर उन्हें शिफ्ट किए जाने के लिए मुआवजे के बाद निर्देशित किया जा चुका है। देखिए, श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक ये पूरा रास्ता चौड़ा होना है, सेंटर से 7 मीटर, लगभग 14 मीटर का रोड बनना है और इसमें कुल दो टाइप के लोग हैं, एक तो जिनकी जमीन है और जो दुकानदार हैं। जमीन का मुआवजा हम पूरा दे चुके हैं और जो दुकानदार हैं जिनका व्यवस्थापन पुनर्वास होना है उनको भी हम लगभग 350 दुकानदारों में से 190 लोगों के खाते में हम पैसा डाल चुके हैं। बुलंदशहर में छात्राओं और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध को देखते हुए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम और अभियान को सफल बनाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों एवं बीट महिला आरक्षियों को साथ लेकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेजों में सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आगरा न्यायालय परिसर में गैंगस्टर एक्ट में पेशी पर आए आरोपी को फरार करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल न्यायालय परिसर में सिपाही की अभिरक्षा से 5 से 6 बदमाश आरोपी विनय श्रोतिया को लेकर फरार हो गए थे। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि आरोपी को फरार करने में सिपाही भी शामिल था और सिपाही ने बचने के लिए खुद को भी घायल कर लिया। कल अपराधी फरार हुआ था, वो डकैती कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था और तब से वहाँ सभी आला अधिकारी पहुँचे, IG सर, SSP सर पहुँचे और हम पुलिस ने वहाँ छानबीन स्टार्ट की। उसके बाद बहुत से लोगों से पूछताछ की गई, उसमें पूछताछ में पूरा मामला लगभग खुलकर सामने आया, CCTV फुटेज देखे गए। उसके आधार पर एक व्यक्ति को कल रात्रि में हिरासत में लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उस व्यक्ति को आज जेल भेजा जा रहा है, उसका नाम है सोनू। कानपुर के जाजमऊ इलाके में टेनरी पर कब्जे को लेकर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने सपा विधायक के बेटे सहित 12 नाम से लोगों पर FIR दर्ज की है। कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे कामरान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में 50 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया है जिनकी पहचान की जा रही है। वहीं नामजद आरोपियों में पुलिस ने 7 को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि जाजमऊ थाना क्षेत्र में स्थित शालीमार टेनरी में चाची और भतीजे के बीच कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते पुलिस की मौजूदगी में जमकर बवाल हुआ। कल जाजमऊ में एक टेनरी पर परिवार के
भीतर जो पहले से चल रहा विवाद था वो लॉलेसनेस के रूप में सामने देखा गया और कई लोग वहाँ पे थे, कमोबेश 40-50 लोग तो मिनिमम रहे होंगे जिन लोगों ने लॉलेसनेस क्रिएट की थी। पुलिस ने लॉलेसनेस क्रिएट करने को लेकर, कानून हाथ में लेने को लेकर और इस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के विषय को लेकर गंभीरतापूर्वक खुद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, 12 लोगों को इसमें नामजद बनाया गया है। गोंडा में दुष्कर्म के आरोपी दरोगा वसी अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 12 जुलाई को पीड़िता द्वारा वसी अहमद पर दुष्कर्म और नाम बदलकर शादी करने का झांसा देकर गंभीर आरोप लगाए गए थे और लिखित तहरीर दी गई थी नगर कोतवाली में और पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर से भी न्यायिक गुहार लगाई गई थी। दिनांक 12 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला द्वारा पुलिस लाइन में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर वसी अहमद के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इनके द्वारा जाति और नाम बदलकर शादी का झांसा देकर इनके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज वसी अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली नगर में प्रचलित है। खबर हरदोई से है जहां के लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल गांव के युवक ने महिला के साथ 4 वर्ष तक दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस से कई बार शिकायत की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान गर्भवती महिला ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी राजेश द्विवेदी ने लोनार पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये महिला लोनार क्षेत्र की रहने वाली है। इनका ये आरोप है कि 4 वर्ष पूर्व शिव कुमार नाम का एक व्यक्ति जो फतेहगढ़ फरुखाबाद का है वो ले गया था कि शादी करेंगे और 4 साल से उसके साथ रह रही थी। इस समय वो गर्भवती है और उन्होंने उसको भगा दिया है। तो ये आरोप लगा रही थी कि ये शादी का झांसा देखे हमारे साथ 4 साल से रेप कर रहा था। इस चीज़ का संज्ञान लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हरदोई में मोदी राठौर युवा सेना ने भूमाफियाओं के विरोध में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 10 दिनों में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल भूमाफियाओं ने विवादित जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान भूमाफियाओं ने महिला के साथ भी जमकर मारपीट की। जो कि ज्ञानी मोहल्ले में महिलाओं जमीनी कब्जे को लेकर जो है महिलाओं को मारा पीटा गया है और जबरदस्ती बगैर कोर्ट के आदेश के जमीन को पुलिस की मौजूदगी में कब्जा कराया गया है, इसलिए और दूसरा 307 का मुकदमा पीड़ित परिवार पे, जबकि उसके पोते की मृत्यु हो गई थी उसके बावजूद 307 का मुकदमा उन पर दायर कर दिया गया है रातों रात। इसलिए हमारी मोदी राठौर युवा सेना और हमारे सभी भाई लोग, कार्यकर्ता लोग, पिछड़ा वर्ग के सभी साथी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि हमको जो है न्याय दिलाए। खबर मैनपुरी से है जहां के बेवर थाना क्षेत्र के नगला टांकन स्थित कंपोजिट विद्यालय से कंप्यूटर सिलेंडर और अन्य सामान चोरों ने चोरी कर लिया। नगला टांकन में तैनात प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार ने तहरीर में बताया कि जब विद्यालय पहुंचे तो ऑफिस का कुंडा कटा हुआ था। चोरों ने कंप्यूटर, स्पीकर, सीपीयू, रेडियो और खेलकूद का सामान, 7 पंखे, गैस सिलेंडर और गेहूं का पैकेट चोरी किया है। ऑफिस का कुंडा काट के उसमें चाबी वाबी निकाल के पंखे, 7 पंखे ले गए और अलमारी में से कंप्यूटर और जो सामान मास्टर साहब ने बताया वो गया है। जो यहाँ से जो चोरी हुई इसकी किसी मतलब इसकी सुबह किसी पर है गए सुबह तो हमें तो नहीं जानकारी है। हम किससे मालूम किस पर इसकी शिकायत कहीं की, किसी को अपली कहीं दिया कि प्रार्थना पत्र दिया हमने जो है शिकायत की है। हमें तो हम आए, उन्होंने बुलाया तब जाए इसकी जानकारी। प्रतिदिन की बात, मैं स्कूल आया जब 12 तारीख में तो देखा कि हमारे ऑफिस का ताला वो
कुंदा कटा हुआ था, उसके बाद वहाँ से ऊपर देखा तो पंखा नहीं था, बिजली लाइट कटी हुई थी, अलमारी के ताला खुला हुआ था, उसमें कंप्यूटर, UPS, कीबोर्ड और ब्लूटूथ स्पीकर बड़ा वाला, माइक, रेडियो दो। जब वहाँ तो हमने अन्य कमरे देखे खोल के, तो उनमें सारे कमरों से 7 पंखे गायब, 6 ट्यूबलाइट। उसके बाद किचन देखी तो किचन से एक गैस सिलेंडर 15 kg का, 6 पैकेट गेहूं के। सुल्तानपुर में प्रधानी की रंजिश में चौकीदार पर विपक्षियों ने उस समय हमला बोल दिया जब वो बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहा था। आरोप है कि विपक्षियों ने उस पर फायर भी किया है और गोली उसके पैर में लगी है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। आज अपने लड़के का स्कूल जा रहे पहुंचाने के लिए, स्कूल से पहुंचा के आ रहे थे, जो कि ये लोग तमांचा से पहले फायरिंग किए थे, नहीं लगी, दूसरी फायरिंग के पैर में लगा, फिर 4-5 लोग मारने लगे डंडा से। चंद्रभा ने, दयाराम ने, नरेंद्र मौर्य प्रधान ने हमको गोली मारा। रामचंद्र कनौजिया, रामचंद्र कनौजिया और गया प्रसाद, 3-4 भाई हैं जिनका पूर्व का विवाह चला रहा है, जिसके संबंध में भी परसों मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। उसी को लेकर के इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे अन्य लोगों द्वारा मारा गया, जिसकी विधि कार्रवाई की जा रही है, जांच करने पर जो भी आएगा उसके साथ। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन और मंदिर समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है, जहां कांवड़ियों को हर 500 मीटर पर पानी उपलब्ध होगा। यात्रा मार्ग की साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सावन लोग गुरु पूर्णिमा से बांधना शुरू कर देते हैं। कल से ही काफ़ी लोग कावड़ लेने भी गए हैं और आज से तो प्रातःकाल से ही सुबह 3:30 बजे भगवान का आरती पूजा वगैरह हुआ, तो काफ़ी संख्या में भक्तों का यहाँ पर आना है कि दूधेश्वर का जो सावन महीने में विशेष महत्व लोग मानते हैं और पूरा मास में जो है वो लोग पूजा करने के लिए भगवान का यहाँ पर आते हैं। मंदिर हमने व्यवस्था किया है कि जो आपका 26 जुलाई और 27 जुलाई दो दिन के लिए कांवड़ों का मेला बहुत बड़ा रहेगा, उसमें कांवड़ियों का यहाँ पर एक भंडारा जो है 21 दिन का भंडारा भी हम लोग जो है 21 तारीख से भंडारा भी प्रारंभ करेंगे। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महापावन त्योहार सावन माह का महीना शुरू हो चुका है। आज से सभी कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में गाजियाबाद के कांवड़ सेवा समिति के समक्ष गाजियाबाद पुलिस थाना इंदिरापुरम के CO अभय कुमार मिश्रा ने कांवड़ सेवा समिति के सभी मेंबरों के साथ मीटिंग ली, जिसमें प्लास्टिक बैन की बात रखी और CCTV कैमरे की निगरानी हर पंडाल में व्यवस्था करवाने की हिदायत दी है और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी अपील की। सावन मास शुरू हो चुका है, तो कांवड़ यात्रा जैसे विगत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी बेहतर तरीके से कराने के लिए सारे कांवड़ शिविर लगाने वाले आयोजकों से मीटिंग की गई। उसमें आयोजकों को जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उनके शिविर में रखनी है इस बारे में अवगत कराया गया। साथ ही शासन की मंशा है कि प्लास्टिक फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कांवड़ यात्रा कराने की, तो सबको ये भी अवगत कराया गया कि ये लोग आपस में मतलब जो भी इनके शिविर होंगे वहाँ पर प्लास्टिक फ्री कांवड़ यात्रा रखनी होगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। खबर देवरिया से है, जहां शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल देवरिया सदर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा से संबंधित जानकारियां विद्यार्थियों को देते हुए उन्हें राष्ट्र और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा हेतु जागरूक किया है। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य ने रेलवे सुरक्षा बल देवरिया सदर के प्रभारी निरीक्षक एवं उनकी टीम का आभार करते हुए कहा कि आपके द्वारा विद्यार्थियों को दी गई अमूल्य जानकारियां उन्हें राष्ट्र निर्माण हेतु एक बेहतर नागरिक बनाने में सहयोगी सिद्ध होगी।
संभल में जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है, जहां महिला की धारदार हथियार से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं सगे भाई पर महिला की हत्या का आरोप है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहां जहां वारदात के बाद गांव के लोगों में दहशत देखने को मिल रही है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव धुरेटा का ये मामला है। खेतों के पीछे लड़ाई हुई है, दोनों में मुँहचारी हो रही है। इसकी खेत में कोई दवाई डाल रही तो उसने भैया से पूछ रही तो गाली वाली दे रही है अपने भैया को। तो पहले तो हाथा पाई भाई, फिर वो ला के सब्बल ला के उनने मारा है, पेटों में दो सब्बल मारे, गर्दन में मारा, सिर में मार दिया। बड़े भैया कह रहे तू बिल्कुल मार दे इसे। अब भाभी भी खड़ी उसकी बड़ी, अब बड़े भैया भी खड़े, छोटे ने मारा है जी। केस तो बहुत दिन से चल रहा है, बताओ भाई मेरे गाँव में। अब शादी हुई, केस तो काफी दिन से चल रहा है। तो लड़की की शादी हो चुकी थी? नहीं, कुआ रही थी, उसके माँ बाप मर गए थे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।